Hello students, today we are going to start with a new chapter whose name is Control and Coordination. पहले हमने life processes वाला chapter किया है and we have seen various life processes that are important for the survival of an organism. Now, what is the control and coordination? Let us see. For survival, an organism's body must respond correctly to various stimuli it receives. Now, कोई भी stimulus है, कोई भी environmental, external or internal environmental change है, अगर body ने correct response नहीं दिया उसके through, तो it is not possible for the organism to survive, and ultimately it can lead to डेथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हो रही हैं, दे आर द स्टिमुलस, द रिस्पॉन्स, द रिसेप्टर्स एंड द इफेक्टर्स. एक एक करके इसको रीड करते हैं, इसका मतलब देखते हैं. एन एजेंट और सडन चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट विच कॉजेज अ चेंज इन ऑर्गेनिजम्स और एनी ऑफ इट्स बॉडी पार्ट्स. कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट में चेंज, सपोज करो पॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पॉल्यूशन? कोई सडन चेंज है, ठीक है, कि पॉल्यूशन का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एक्सटर्नल एनवायरमेंट में. एंड ऑफकोर्स इफ इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, तो जो भी चीज हम खा रहे हैं, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं और जो पानी हम पी रहे हैं, उसमें पॉल्यूशन है. एंड ये पॉल्यूशन हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है. इट इज चेंजिंग आवर बॉडी पार्ट्स. द पीपल आर बिकमिंग मोर एलर्जिक, पीपल आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव, एंड पीपल आर बिकमिंग weak by their immune system due to pollution. ठीक है, तो ये एक काइंड का स्टिमुलस है. नाउ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जून जुलाई के मौसम में गर्मी होती है एंड दिसंबर एंड जनवरी में सर्दी होती है. So we start adapting our bodies according to that accordingly, है ना. हमारे body parts, हम ज्यादा कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, हम room temperature को सर्दियों में high रखने की कोशिश करते हैं, गर्मियों में low रखने की कोशिश करते हैं, है ना. तो ये क्या है, एक type का response to the stimuli है. बाहर गर्मी हो गई, बाहर गर्मी होने की वजह से we are causing changes in our lifestyle basically, जिसकी वजह से हम बाहर वाली ठंड से बच जाए. अब सपोज करो अगर कोई बंदा, उसको ठंड लग रही है एंड उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ठंड को, तो अल्टीमेटली ठंड से उस पर्सन के टेम्परेचर पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, बॉडी टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा एंड अल्टीमेटली ही और शी कैन डाई. Means it is very important for an organism's body to correctly respond to the external stimulus, to external or internal, whatever the stimulus is. It is very important for anybody to respond properly. इसीलिए मतलब तभी survival possible हो सकता है, वरना survival possible नहीं होगा. Now, what a response? The change in organisms resulting from a stimulus. गर्मी हो गई, हमने पंखा एसी चलाना शुरू कर दिया, दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. स्टिमुलस क्या थी? गर्मी, एनवायरमेंट में चेंज. ओके, रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स जो हमने दिया, हमने पंखे और एसी चलाने शुरू कर दिए, दैट इज रिस्पॉन्स. दैट इज द यू नो चेंज इन ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर दैट इज रिजल्ट ऑफ अ स्टिमुलस. सपोज करो कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट से झगड़ा कर रहा है, झगड़ा से करना नहीं चाहिए, दैट इज अ बैड मैनर, बैड हैबिट बेसिकली. तो
बट फिर भी अगर किसी ने झगड़ा किया, एक स्टूडेंट ने दूसरे के थप्पड़ मारा, तो आइदर ही और शी विल क्राई और ही और शी विल स्लैप बैक, है ना? तो वो क्या हो गया, दोनों चीजें क्या है, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. नाउ रिसेप्टर्स, नर्व सेल्स विच इनिशिएट वेव्स ऑफ इम्पल्सिस टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन अ रिसीविंग स्टिमुलस. देखो कोई भी चेंज होता है ना, तो हमारी नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स इसको रिसीव करते हैं. रिसेप्टर्स का मतलब बेसिकली है रिसीविंग सेल्स. जो सेल्स रिसीव करते हैं उनको रिसेप्टर्स बोलते हैं, एंड जो सेल्स स्टिमुलस रिसीव करके सिग्नल भेजते हैं, ठीक है, इनिशिएट द वेव्स ऑफ इम्पल्सिस, बेसिकली सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन. इफेक्टर्स, मसल्स और ग्लैंड्स विच कॉन्ट्रैक्ट और सिक्रीट सब्सटेंस ऑन रिसीविंग एन इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. सपोज करो हमें ठंड लग रही है, ठंड की वजह से क्या हुआ, वी विल शिवर, ओके, वी विल फील द, वी शैल फील द वेव्स ऑफ शिवरिंग. तो हमारे रिसेप्टर्स ने ठंड को रिसीव किया, रिस्पॉन्स में हमने शिवर किया, रिस्पॉन्स में हमने शिवर किया, एंड रिसेप्टर्स, देखो ठंड ने, बाहर ठंड हुई, दैट वॉज अ स्टिमुलस, हमने शिवर किया, दैट वॉज रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स हुआ किसकी वजह से, इफेक्टर मसल्स की वजह से, जिस मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शंस की जिसकी वजह से हमने शिवर किया, दैट इज द बेसिकली इफेक्टर्स, इफेक्टर मसल्स, ठीक है. अब वही बात मैं आपको गर्म पानी की हेल्प से कर देती हूँ, कि किसी ने गलती से गर्म पानी में हाथ डाल दिया, ठीक है, गर्म पानी में हाथ डालना इज अ स्टिमुलस. स्टिमुलस से रिस्पॉन्स क्या आएगा, कि हम पीछे कर लेंगे हाथ, पीछे हाथ कैसे कर पाएंगे, ड्यू टू द इफेक्टर्स, इफेक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हाथ को पीछे खींचेंगे, तभी हम एकदम से रिस्पॉन्स कर पाएंगे, ठीक है. सो दैट वॉज द केस. नाउ फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कीप्स अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स. इसका क्या मतलब हुआ, कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है, बेसिकली नर्वस सिस्टम हमें इन्फॉर्म करता है अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे पास, फाइव सेंस ऑर्गन्स है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है. इसकी वजह से हमें आउटर, मतलब कोई भी चेंज हो रहा है ना, इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, वो हमें रिसीव हो रहा है, तो हम अवेयर रहते हैं कि ठंड है, गर्मी है, या फिर यू नो अबाउट द फ्रेग्रेंस एंड अबाउट द फॉल स्मेल ऑल्सो. कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइज ऑल द वॉलंटरी मसल्स एक्टिविटी. मैंने किसी स्टूडेंट को आवाज लगाई, वो स्टूडेंट उठ के मेरे पास आएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ वॉलंटरी एक्शन, दैट इज कंट्रोल्ड. मैंने आवाज लगाई, दैट इज अ स्टिमुलस. उसके ईयर्स में रिसेप्टर्स हैं, ईयर्स ने रिसीव करके ब्रेन को सिग्नल भेजा कि इस बच्चे को आवाज लग रही है, तो वो खड़ा होके क्या करेगा, वो खड़ा होके मेरे पास आएगा. दैट इज द फंक्शन ऑफ बेसिकली इफेक्टर मसल्स एंड द रिस्पॉन्स. इफेक्टर मसल्स चलना शुरू करेंगी एंड देन इन रिस्पॉन्स दैट स्टूडेंट विल कम टू मी, ओके. तो हमारा मतलब ये सारा काम ब्रेन ने किया, ब्रेन ने हार्मोनाइज कर लिया हमारे फंक्शंस को, हमारी एक्टिविटीज को. एनेबल्स अस टू रिमेम्बर, थिंक एंड रीजन. सपोज करो कि मैंने किसी स्टूडेंट को बोल दिया कि तू टेंथ के बाद बायोलॉजी ऑप्ट कर ले, या टेंथ के बाद यू शुड ऑप्ट द स्ट्रीम मेडिकल. तो दैट स्टूडेंट विल रिमेम्बर कि मैम ने मुझे बोला था कि मुझे मेडिकल रखना है. He or she will think about that कि medical है जो, वो कौन कौन सी मतलब की streams को result करता है, like you can become a doctor, you can become a pharma, you can become a nurse, है ना, and you can become a lab technician, you can become a researcher, everything else, है ना. तो he will think about that, do I want to become a doctor, a nurse or a pharmaceutical scientist or whatever else, ठीक है, वो सोचेगा इस चीज के बारे में and reason. He or she will get a reason that, yeah, if I'm appropriate for it, I should opt medical. If I'm not appropriate for it, I should not opt the medical stream. ठीक है?
regulates involuntary activities such as breathing and beating of heart. Suppose करो, okay. Sometimes काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कई लोग खाना खाना ही भूल जाते हैं. अगर हमने सांस लेनी हो and it would be a voluntary action, ठीक है, खाना खाने में डेथ नहीं होती है किसी की. बट अगर काम का प्रेशर इतना ज्यादा और कोई बंदा सांस ही नहीं ले पाया तो उसकी डेथ हो जाएगी, है ना. तो दैट आर ऑल्सो द फंक्शंस अलॉन्ग विद द वॉलंटरी फंक्शंस. जो हमारा ब्रेन है वो इनवॉलंटरी फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है. नाउ न्यूरॉन, हमने यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा था इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट वाज अ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड न्यूरॉन इज द यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है. न्यूरॉन के डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू एंड एवरी स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस दिस डायग्राम. लेट अस डिस्कस द पार्ट्स ऑफ दिस डायग्राम. द फर्स्ट पार्ट इज द डेंड्रॉन और द डेंड्रिटिक पार्ट. वी कैन कॉल इट एज डेंड्रॉन और वी कैन कॉल इट द डेंड्रिटिक पार्ट. डेंड्रिटिक पार्ट, ओके. देन इज द सेल बॉडी, cyton. Cyton is also known as the cell body of the neuron. As you know, कि हमारा जो cell होता है, cell का एक proper structure होता है. उसमें plasma membrane होता है, उसमें nucleus होता है, and उसमें cellular organelles होती हैं, है ना? Organs of the cell होते हैं. तो cyton is basically the cell body. Dendron is the dendritic part. These are the arising nerves, and this elongated part of the neuron is axon. And these are the further nerve fibers or nerve endings. Okay, this is the diagram of a neuron. Let us discuss its parts. The three main parts of neuron are the cell body. सेल बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एंड ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म इज आल्सो डेंस. दिस इज द साइटॉन, दिस इज द सेल बॉडी. यू कैन सी द पिंक पार्ट इज द सेल बॉडी. डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स आर ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी. ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस है, मतलब की आउटग्रोथ्स है बेसिकली ऑफ द सेल फाइबर्स है, ओके. एक्सॉन, एक्सॉन इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी. सेल बॉडी का इलोंगेटेड पार्ट जो है दैट इज द एक्सॉन. द एंड पोर्शन ऑफ एक्सॉन हैव स्वॉलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द मैसेजेस व्हिच आर सेंट बाय ब्रेन थ्रू न्यूरॉन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. डू यू गेट मी, व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स आर बेसिकली messages from the brain, messages from the brain, okay. Now synapse, what is synapse? The point of contact between terminal branches of axons. Point of contact, axon dekha tha aapne, let us see it again, okay. This one is the axon part. Axon का जो terminal part है, जहाँ पे वो दूसरे axon से touch होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, synapse. Okay? Axon terminals of a neuron and the dendrites of another neuron are separated by fine gap, that is the synaptic cleft. Synaptic cleft is basically a gap that is found between the neuron and dendrites of another neuron. मतलब कि जो nerve endings हैं, basically nerve endings of one neuron and dendrites of the another neuron, उसमें space होती है and that space is known as the synaptic cleft.
What is the nerve impulse is sent across synaptic cleft with the help of neurotransmitter acetylcholine. Acetylcholine is a kind of neurotransmitter जो हमारे ब्रेन में काम करता है. केमिकल होता है, बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में घूमता है. ठीक है, तो नर्व इम्पल्स है जो वो एक मैसेंजर है कि जैसे मैंने कोई काम बोला किसी स्टूडेंट को कि तू ऐसे करके मैम को मैसेज दे के आ. ठीक है, मैथ्स वाले मैम को मैसेज दे के आ, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला, तो दैट स्टूडेंट इज एक्टिंग एज अ न्यूरोट्रांसमीटर बिकॉज इट इज दैट स्टूडेंट इज बेसिकली delivering my message to the another teacher that I want. Now, reflex action. Reflex action is also a very important topic. Involuntary actions in response to external or internal stimuli are termed as reflex action. देखो, involuntary are always the muscles and involuntary are always the procedures. Processes होते हैं, basically life processes ही होते हैं. Digestion है, ठीक है. अगर यार तुम देखो, मैंने खाना खाया, खाना तो मैंने खाया, अगर digestion भी मैंने voluntarily करनी होती तो कितना difficult काम हो जाता कि यार पहले मैं खाना बनाऊंगी, फिर मैं खाना खाऊं और फिर मैं digest भी करूं इसको, है ना. तो it would be a bit difficult process for me. बहुत ज्यादा लंबा हो जाता. कई लोगों के पास तो खाना खाने का टाइम ही नहीं होता, तो डाइजेस्ट करने का टाइम कहाँ पे होता. ओके, इनवॉलंटरी आर बेसिकली द प्रोसेसेस दैट हैपन नेचुरली इनसाइड अवर बॉडी. व्हाट आर द इनवॉलंटरी एक्शंस? इनवॉलंटरी एक्शंस वही कि सपोज करो किसी को करंट लग गया तो वो अपना हाथ पीछे करेगा. इफ समबडी इज स्विचिंग ऑन द फैन एंड उस स्विच में से इलेक्ट्रिक शॉक, बेसिकली इलेक्ट्रिक कोई फायर जैसा, मतलब कि इलेक्ट्रिक वेव आ रही है, तो वो क्या करेगा, अपना हाथ पीछे करेगा, है ना. दैट इज बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शन. जैसे कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको नहीं पता आग को हाथ नहीं लगाना, बट फिर भी जब वो आग को हाथ लगाता है तो वो अपना हाथ खुद पीछे कर लेता है, पीछे कर लेता है ना. उसको किसी ने सिखाया नहीं है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है कि तू हाथ पीछे कर. अगर आप इन बेबी इन्फेंट को इंजेक्शन लगाओगे तो वो रोने लग जाएगा बिकॉज ही और शी इज फीलिंग द पेन, है ना. छोटा बच्चा है तो उसको किसी ने बोला तो नहीं ना कि तुम रो. जब वो नीचे गिर जाता है तो रोते हैं बच्चे खुद ब खुद, है ना. वी डोंट नीड टू टेल देम दैट यू नीड टू क्राई. दैट इज बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शन. इट इज नोन एज अ रिफ्लेक्स एक्शन. थस द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द रिफ्लेक्स एक्शंस. देखो, ब्रेन होता है ना जो, दैट इज बेसिकली नॉट इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे जो नर्व्स है ना, नर्व्स अराइज कर रहे हैं फ्रॉम द ब्रेन, दे आर इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन. द स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन. द पाथ ट्रेवल्ड बाय इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. जैसे आपने पढ़ा था फिजिक्स में कि डिस्टेंस चाहे जितना मर्जी लंबा हो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. वैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन में जो रिफ्लेक्स आर्क होती है ना, रिफ्लेक्स एक्शन है. देखो, अगर बच्चा ज्यादा देर आग में हाथ लगा के रखेगा, बच्चा ही क्यों, बड़ा भी अगर कोई ज्यादा देर आग में हाथ लगा के रखेगा तो वो जल सकता है. ठीक है, सो इन दीज काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस पाथवे ऑफ द इम्पल्स इज सच अ वे दैट इट हैज टू ट्रेवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है, द पाथ ट्रेवल बाय इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. अ रिफ्लेक्स आर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टिमुलस. ठीक है, स्टिमुलस टू द रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन. सपोज करो किसी ने गर्म पानी को हाथ लगाया तो रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन इज अवर स्किन सेल. स्किन सेल अपने स्किन सेल के साथ में जो नर्व फाइबर है उसको मैसेज देगा, वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देगा, देन स्पाइनल कॉर्ड हाथ के मसल्स को मैसेज देगा एफरेंट. एफरेंट मतलब जो लेके जा रहा है, एफरेंट मतलब जो लेके आ रहा है. वो लेके आ रहा है मैसेज,
एंड हाथ हमारा पीछे हो जाएगा फटाफट से. दिस इज द रिस्पॉन्स, दिस इज द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क. ओके, ये रिफ्लेक्स आर्क होती है जो दैट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड. किसी ने अपना पैर गंदे पानी में रख लिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दैट विल ऑल्सो जनरेट अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, कि अपना अपना पैर वो जल्दी से जल्दी पीछे कर लेगा सो दैट उसका पैर ज्यादा गंदा ना हो. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. एंड इसमें भी सेम, इसमें हमारा स्टिमुलस क्या है, गंदा पानी, रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन, द फुट, ठीक है, बेसिकली अवर आईज. बेसिकली जब हम देखेंगे आईज या फिर हमारी स्किन फील करेगी दैट हमने गीले पानी में पैर रख लिया है, वो क्या करेगी, वो आई मसल, मतलब कि आई सेल्स हो गए जो आई के नर्व सेल्स हैं, वो मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन के पास एंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास. एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, फुट मसल्स को मैसेज भेजेगा कि तुम अपना पैर पीछे करो, ठीक है, मसल्स को मैसेज. देन मसल्स फाइनली मसल्स के पास मैसेज जब पहुंच रहा है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्स. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क. When you touch a hot object, your hand withdraws it from immediately. मतलब कि खुद ही खुद ब खुद अपना तुम्हारा हाथ जो है वो पीछे चला जाता. Shivering when it's too cold or sweating when it's too hot. Dilation of the pupils of eye when you dilation का मतलब होता है बड़ा हो जाना. Dark में आप कभी भी देखोगे आपकी eyes का जो pupil है that is always वाइड. हम आई वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आई वाले टॉपिक में बेसिकली, सो डोंट वरी अबाउट दिस. व्हेन यू स्मेल योर फेवरेट डिश योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, बेसिकली योर माउथ स्टार्ट्स सेक्रेटिंग द सलाइवा. नाउ अप टू द टॉपिक, divisions of the nervous system. The nervous system consists of the two parts, the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system includes the brain and the spinal cord. The brain hai and the spinal cord, it constitutes the central nervous system. So let us read about the brain. The human brain is largest among all the animals. Jitne bhi animals hain, mammals hain basically, ya fir insects hain, ya fir reptiles hain, ya of course reptiles, birds, you can take every category, even the category of annelids in which we read about earthworms, hai na. Human brain is largest among all the animals. It is well protected by cranium or the skull. The protected layer of brain is known as skull. Basically, the brain bones. हमारे brain को three parts में divide किया गया है, fore brain, mid brain and hind brain. देखो, skull होता है एक तो हमारे पास जिसको हम बोलते हैं our head basically. If you dissect, if you